सर, आपसे कोई मिलने आया है? गुनगुन। नहीं सर, एक हेल्दी लुकिंग आदमी है और उनके साथ दो लड़के हैं सर। ठीक है, उन्हें अंदर बुला लीजिए। ओके सर। तेरे लिए एक खुशखबरी है, गुनगुन की बहादुरी देखकर सरकार उसे अवार्ड दे रही है। ये देख, पेपर में आया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। जिसकी कद्र हमारे परिवार ने नहीं की, उसकी कद्र हमारी सरकार कर रही है। लेकिन गुनगुन खुद यहां होती तो ये खुशी डबल होती। सुन, एक और गुड न्यूज भी है, तुझे कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद बस तुझे बेड रेस्ट करना है और तू हमारे साथ घर जा सकता है। जिसे अवार्ड मिला है वो खुद कहाँ? हमारी कल गुनगुन से बात हुई थी, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रह रही है, वरना हम उसे अपने साथ होटल में ही रखते, फिर भले आकृति को बुरा लगे। मेरे सामने नाम भी मत लीजिए उसका। ये सब सोचने का क्या फायदा अनु, तेरे नाम के साथ तो उसका नाम जुड़ चुका है ना, और रिश्ता भी। यही तो अफसोस है, जिसके साथ रिश्ता जुड़ा है उसके साथ दिल नहीं जुड़ा, और जिसके साथ दिल जुड़ा है वहां रिश्ता नहीं जुड़ पाया। आप लोग प्लीज धीरे बोलिए, अगर आकृति आ गई और उसने हमारी बातें सुन ली ना तो बेकार का कोहराम मचा देगी। आप प्लीज गुनगुन को फोन लगाइए ना, कहाँ है वो? अनु, अगर गुनगुन हॉस्पिटल में आ भी गई तो यहां नहीं आ सकती, ना आकृति ना बड़े पापा उसे यहां आने की परमिशन देंगे। समझ नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, इसका क्या हल निकालूं? अरे ये सब सोचने में अभी अपना दिमाग मत लगा, वैसे भी हम घर पे जाएंगे तो इस बारे में चर्चा होनी है, तब देखेंगे ना। हाँ अनुभव, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हैं? एक वक्त था जब अनुभव को मिलने के नाम से ही मुझे मौत आती थी, और अब उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मेरी किस्मत देखो, अपने ही पति से छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। दीदी, लोग कहते हैं छुप छुप के मिलने का अपना ही मजा है, और वो प्यार ही क्या जिसमें छुप छुप के ना मिलना पड़े। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों? आपने कहा था आधे घंटे बाद आने के लिए, आधा घंटा हो चुका है। वो एक्चुअली सर ने कहा उन्हें बिना पूछे मैं किसी को अंदर जाने ना दूं। कैसी बात कर रही हैं? हम उसके बड़े पापा हैं, ये पापा और ये उसकी पत्नी है। मैं जानती हूँ सर, लेकिन आप अंदर जाने से पहले मुझे पेशेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। आपको जिससे पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन हमें अपने बेटे से मिलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। आओ चंद्रू, आओ बेटा। यहां आने से पहले हमें बताना जरूरी नहीं, समझाना? वो बड़े भैया, खबर ही कुछ ऐसी थी कि हमें खुशी में होश नहीं रहा और हम भागे भागे यहाँ आ गए। ऐसी कौन सी बात थी जो अनुभव को बतानी जरूरी थी? जरूर गुनगुन के बारे में होगी, है ना? हाँ। उसकी सिर्फ खबर यहाँ आ सकती है, लेकिन वो नहीं। हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके उसका यहाँ आना बंद करवा देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझसे मिलने कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। लेकिन मेरे पति से कौन मिलेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। और तुम्हें ये हक दिया किसने? हमने।
क्योंकि अभी भी सही गलत अच्छाई बुराई की समझ है हम में। अब वो लड़की तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी, ना यहां ना लखनऊ में। और आपको लगता है कि आप उसे या मुझे रोक पाएंगे? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, या फिर उस लड़की के प्यार ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि रीति रिवाज कायदे कानून बड़े छोटे का फर्क हमारे दिए संस्कार परिवार सब भूल गए हो? सर आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, मुझे पेशेंट को मेडिसिन देनी है। मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी। सर प्लीज आप मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा ना तो ठीक, मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी। अगर गुनगुन नहीं आई तो अन्नु दवाई नहीं खाएगा। लेकिन इसमें नुकसान अन्नु का ही है, आप प्लीज इन्हें समझाइए ना। अन्नु बेटा सुनो। नहीं चाचू, आप या कोई भी मुझे नहीं समझाएगा, और अगर आप लोग मुझे फोर्स करेंगे ना तो मैं इस हॉस्पिटल से चला जाऊंगा, और किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां पे आप लोग जाने पे भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। ये लड़का पागल हो गया है, पता नहीं उस लड़की ने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया है कि ना वो कुछ सुनने को तैयार है ना कुछ समझने को तैयार है। बड़े भैया, अगर अनु ने दवाई नहीं खाई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे तो ये बात उस गधे को समझाओ ना। कैसे समझाए, वो हम में से किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर इसमें हम क्या करें? उसे वो दे दीजिए जो वो चाहता है, कम से कम उसके ठीक होने तक। मतलब उसे गुनगुन से मिलने दीजिए बड़े भैया। नहीं, यही तो वो चाहते हैं, सारा नाटक सारी ब्लैकमेलिंग इसीलिए तो वो कर रहे हैं ताकि वो गुनगुन से मिल पाए, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। आकृति समझने की कोशिश करो, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस वक्त अनु की हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी जिद? जिद मैं नहीं, जिद वो कर रहे हैं। तुम्हें अपने पति की जान प्यारी नहीं है? तुम नहीं चाहती कि अनुभव ठीक हो जाए? चाहती हूँ, लेकिन मैं उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। वो दवाई भी लेंगे और ठीक भी होंगे, वो भी गुनगुन से मिले बिना। आकृति सही कह रही है, आज उसकी एक जिद मानेंगे कल वो दूसरी जिद पकड़ कर बैठ जाएगा और फिर तीसरी जिद। अगर वो दवाइयां नहीं खा रहा तो अस्पताल वालों की मदद से उसे जबरदस्ती दवाइयां खिलाओ, लेकिन उसकी जिद नहीं मानेंगे। बहुत हो गई उसकी मनमानी, अब उसे सीधे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। अब वो गुनगुन से नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिल सकता, बात खत्म। देखिए हम अस्पताल के मैनेजर साहब से मिलना चाहते हैं। एक मिनट सर। सर पेशेंट के रिलेटिव आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर, सर आ रहे हैं, प्लीज वेट। जी जी। हम अनुभव कुलश्रेष्ठ के बड़े पापा हैं, आपसे एक निवेदन करने आए हैं। सर गुनगुन नाम की एक लड़की है, आप उसकी एंट्री हॉस्पिटल में प्लीज बंद करवा दीजिए ना। आई एम सॉरी बट ना तो ये होटल है ना रेस्टोरेंट, ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में किसी की एंट्री तो मैं बंद नहीं करा सकता। हम आपकी बात समझते हैं मैनेजर साहब, लेकिन वो लड़की हमारे बेटे और हमारी बहू का घर तोड़ने पर तुली हुई है।
प्लीज सर, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे पति से मिले। हमारे बार बार मना करने के बावजूद वो लड़की यहाँ आ जाती है। देखिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी तरह भी उसे यहाँ आने से रोकिए। देखिए, अब मैं किसी को हॉस्पिटल में आने से मना तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, हम आईसीयू को प्राइवेट रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी हो या परमिशन। थैंक यू सर। धन्यवाद। इनके फैमिली मेंबर्स के नाम नोट कर लो और आईसीयू को प्राइवेट रूम में कन्वर्ट कर दो। ओके सर। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।